क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? ये लोग मेरी एंगेजमेंट कर रहे हैं। What? कौन है जो सोच भी सकता है तुमसे शादी करने का मेरे अलावा? कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। अच्छा तो बहन फिर हम चलते हैं। जी ठीक है। क्या तमाशा हो रहा है? अम्मी, आप तो सब जानती थी ना, फिर क्यों? आप सब मेरी बात कान खोल के सुन ले। रिदा सिर्फ मेरी है। इसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। बात खत्म। बाबा, इसने जो किया है ना, उसके बाद मैं कभी अपने ससुराल वापस नहीं जा सकूंगी। कैसा भाई है ये? मेरा घर बर्बाद करने का पूरा सामान कर रखा है इसने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा आपने इसको? देखिए इसकी हठधर्मी। सब कुछ करने के बावजूद भी जरा भी नादम नहीं है ये बच्चा। जब कुछ गलत ही नहीं किया तो नदामत कैसी? नसीमा, तुम इसे लेकर जाओ, मैं जरा साइम से बात कर लूं। चलो। सब मेरी बात कान खोल के सुन ले। रिदा सिर्फ मेरी है। इसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। अब क्या चाहते हो तुम? मेरी इज्जत का तमाशा बना तो दिया है तुमने। मैंने जानबूझकर नहीं किया रिदा। अच्छा तो फिर किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने का? मेरे दिल ने, जो तुम्हें खो देने के ख्याल से डर जाता है रिदा। मेरी मोहब्बत ने, जो तुम्हें किसी और का होने नहीं देगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारी मोहब्बत, जो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। मैं अपने दिल का मुर्शिद हूं रिदा, और मेरा दिल इस मोहब्बत का मुर्शिद। हम दोनों के एक साथ बांधे हुए, जो हमारे जीने और मरने की वजह बन चुकी है। इस धागे को तोड़ना चाहती हूँ शायद। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जो मेरे वालदेन को मेरी वजह से बेइज्जत करवा दे। मुझे इज्जत मोहब्बत से ज्यादा अजीज है शायद। क्या मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता रहता? बस और नहीं। मेरा और तुम्हारा आपसे सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो ये कि हम दोनों सिर्फ कजन्स हैं और कुछ नहीं। तुम मुझे भूल जाओ, कभी हमारी शादी के बारे में मत सोचना। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? तुम सच में मेरा मरा मुंह देखोगे। रिदा, रिदा।